दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप एक क्रिएटर हो, YouTube या किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाते हो, तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। तो एक बार की बात है, आसमान में बादल एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते किसी बादल ने एक बादल से कहा कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम कई सालों तक पानी ना बरसाए तो ज़मीन की और ज़मीन पर रहने वालों की क्या हालत होंगी। तभी एक बादल ने उस बादल से कहा कि तुम सही कह रहे हो, हमें किसी दिन ये फैसला लेना चाहिए कि हम अगले 10 सालों तक पानी नहीं बरसाएंगे। तो उनमें से एक बादल ने कहा कि किसी और दिन फैसला क्यों लेना है, आज ही फैसला कर लेते हैं कि हम अगले 10 सालों तक पानी नहीं बरसाएंगे। अब बादलों की ये बात सुनकर किसान लोग हैरान हो गए और बहुत से किसानों ने अपना हल और खेती का सामान पैक करके रख दिया। लेकिन एक किसान अभी भी अपने खेत में हल चला रहा था। जब उसे दूसरे किसानों ने ये बात बताई तो उसने उनकी बात नहीं सुनी और वो फिर भी हल चलाता रहा। अब कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और उस किसान से कहा कि क्या तुमने सुना नहीं, हम अगले 10 सालों तक पानी नहीं बरसाएंगे, तो फिर तुम ये हल क्यों चला रहे हो। तो उस किसान ने उन बादलों से कहा कि कोई बात नहीं, तुमको जब बरसना है तब बरसना, लेकिन मैं हल इसीलिए चला रहा हूँ कि कहीं मैं अगले 10 सालों तक हल चलाना ना भूल जाऊँ, इसीलिए मैं ये हल चला रहा हूँ। ये सुनने के बाद बादल भी सोच में पड़ गए और घबरा गए कि बात तो ये किसान सही कह रहा है, कहीं अगले 10 सालों तक हम भी बरसना ना भूल जाए। इसीलिए ये सोचते हुए वो बादल तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। और जिन लोगों ने अपने हल और खेती का सामान पैक करके रख दिया था, वो लोग हाथ मलते रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करते रहो, भले ही परिस्थिति अभी हमारे विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आने वाला समय अच्छा होगा और हमें हमारे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। वैसे तो ये कहानी हर किसी के लिए है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी पर यह कहानी सटीक तरीके से सही बैठती है। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि मैं भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि परिस्थिति अभी आपके विपरीत है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे, अपने कंटेंट पर ध्यान दोगे और अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, तो आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन वही होता है, लोग मेहनत करने के लिए ही तैयार नहीं है। कुछ वीडियोस डालते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर वो वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं। सेम इस कहानी की तरह, बादल ने बरसना छोड़ दिया तो किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। बादल बरसे या ना बरसे, मतलब कि आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते ही रहना है और इम्प्रूवमेंट के साथ मेहनत करना है, तो एक दिन आपका भी चैनल ग्रो ज़रूर होगा। और ये याद रखना कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करते रहे तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।